यस बेटे, आज दा अपना टॉपिक है भाईवीर सिंह जी काव्य रचनावां दे विच। पहली काव्य रचना आपा पीटी वन च कीती सी। पीटी वन च पहली रचना केड़ी कीती सी भाईवीर सिंह जी दी? समा कविता। समय दे बारे भाईवीर सिंह जी ने सानू समय दी महानता दसी सी। अज आपा भाईवीर सिंह जी नाल रिलेटेड वन मार्क क्वेश्चंस करने हन। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, भाईवीर सिंह जी आधुनिक कविता दे आधुनिक कविता दे मोढ़ी जां पितामह। आधुनिक कविता दे मोढ़ी जां पितामह, ठीक है बच्चे? मोढ़ी जां पितामह की हुंदा कि जिन्हां ने शुरुआत कीती है आधुनिक कविता दी। इन्होंने बहुत सारिया रचनावां भी लिखिया, पर पहला आपां इन्हां दे जन्म बारे माता पिता बारे लिखते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म टेबल बना के लिख लो। जन्म 5 दिसंबर 1872। 5 दिसंबर 1872। पिता का नाम सरदार चरण सिंह। माता का नाम सरदारनी उत्तम कौर। जन्म स्थान अमृतसर। जन्म स्थान लिखो अमृतसर। सारे वन मार्क क्वेश्चन से रुक जाने हैं। ये नाल ऑप्शंस आ गया, तीन ऑप्शंस इररेलेवेंट हो गया, एक रेलेवेंट होएगी, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाईवीर सिंह कवि, वार्तककार, नावलकार। भाईवीर सिंह किस करके प्रसिद्ध हुए ने? कवि भी ने, नावलकार भी ने, वार्तकार भी ने, और कुल मिला के की कहोंगे? साहित्यकार। साहित्यकार मीन्स जिन्हें साहित्य दे दोनों रूपां ते अपनी कलम अजमाई है। केड़े दो रूपां ते दस सकते हो? केड़े दो रूप ने साहित्य दे, कौन दसेगा? ये भी क्वेश्चन लिख लो, साहित्य दे केड़े दो रूप हन? साहित्य दे दो रूप होए ने, दो मुख रूप ने, उन्हां ते भाईवीर सिंह ने अपनी कलम अजमाई है। मीन्स दोनों रूपां नू लिखिया, लेखक होए ने। केड़े केड़े रूप? यस, कविता ते वार्तक। आपां बहुत वारी ये क्वेश्चन कीते होए ने। कविता दे विच की आ जांदियां ने? काव्य रचनावां, लोक गीत, किस्से, ठीक है? और वार्तक विच की आ जाता दस सकते हो? वार्तक विच की कुछ आ सकता? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दसेगा आंसर, वार्तक दे विच की कुछ आ सकता? यस बेटे, कौन दसेगा? जिवें साहित्य दे दो रूप ने, साजमा हित, सारे दे हित लई लिखिया गया रचनावां। जे क्वेश्चन आ जाता साहित्य तो की भाव है, सारे दे भले लिए लिखिया गया रचनावां। साग इत्र लगा होया, हित मीन्स भला। कविता भी है, वार्तक भी है। वार्तक दे केड़े केड़े रूप होणगे? सारे रूप बोल दो, जेड़े भी रूप तुसी करदे हो। निबंध, लेख, जीवनी, स्वै जीवनी, नावल, नाटक, ये सारे किदे रूप ने? वार्तक दे रूप ने। लिखो वार्तक दे केड़े केड़े रूप ने? नावल, नाटक, कहानी, जीवनी। हुण क्वेश्चन आ जांदा है, जीवनी किस दा रूप है? कविता दा के वार्तक दा? दसो की दसोगे? वार्तक दा।
जीवनी स्वै जीवनी निबंध या लेख निबंध करते हो ना लेख मीन्स आ वार्तक लेख जो करते हो जीवन जा दसन वाले ये सारे किदे रूप ने बेटे क्वेश्चन आ जाता है किदे रूप ने कविता दे वार्तक दे जीवनी दे किदे रूप ने देखो कोई क्वेश्चन आता है कहानी किसका रूप है किदा रूप है बेटे वार्तक का वार्तक किदा रूप है वार्तक किसका रूप है साहित्य का रूप है साहित्य केड़े केड़े रूप ने कविता ते वार्तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई वीर सिंह जी दियां प्रसिद्ध रचनावां बहुत सारिया प्रसिद्ध रचनावां ने तुहानूं तां अच्छी तरह पता होना है क्योंकि अपने स्कूल दे विच चार हाउसेस चलते ने शेक्सपीयर हाउस इंग्लिश का होया लिटरेचर दे विच जिन्हें अपना नॉवलकार ठीक है साहित्यकार होया पोएट होया वो भी पोएट भी होया राइटर होया एक राइटर होया शेक्सपीयर दैन भाई वीर सिंह पंजाबी दे प्रसिद्ध कवि वार्तकार साहित्यकार ठीक है आधुनिक कविता दे मोटे ते तीसरा हाउस अपना केड़ा महादेव वर्मा हाउस वो भी हिंदी दे संस्कृत दे विद्वान ठीक है कालिदास हाउस भी संस्कृत दे विद्वान होए ने सारे पोएट होए ने राइटर होए ने उन्होंने नाम से साडे स्कूल विच हाउस चल रहे ने भाई वीर सिंह बारे तुहानू सबनू नॉलेज इस करके होनी चाहिए है तुसी बोर्ड तो अच्छी तरह पढ़िया होना कि भाई वीर सिंह कौन होए ने उन्होंने केड़िया-केड़िया प्रसिद्ध रचनावां रचिया ने हुण लिखो रचनावां दे नाम प्रसिद्ध रचनावां मीन्स काव्य संग्रह केड़े-केड़े होए ने काव्य संग्रह का की मतलब हुंदा है जिहदे विच बहुत सारिया कवितावां दा दसोगे बहुत सारिया कवितावां दा इकट्ठ वेरी गुड सब तो पहली है महाकाव्य राणा सूरत सिंह राणा सूरत सिंह महाकाव्य होया इन्हां दा दैन काव्य रचनावां ने बहुत सारिया ने लिखो नेम लहरां दे हार बिजलियां दे हार हुण क्वेश्चन आ सकदा है बिजलियां दे हार किसी रचना है किसा काव्य संग्रह है भाई वीर सिंह दा धनी राम चात्रिक दा शिव कुमार बटालवी दा तुसी की दसोगे जो तुसी सुनिया होएगा ठीक है भाई वीर सिंह दा इस करके सारिया रचनावां लर्न करनिया जरूरी ने जिन्ने भी आपां कवि किते ने आपां दो ही कवि किते ने इस टर्म च थर्ड कवि दी रचना हुण नहीं आनी मैं पंजाबी पंजाब दा रहण वाला केड़ी केड़ी आनी है धनी राम चात्रिक दी विसाखी दा मेला और भाई वीर सिंह दी समा कविता ओदे नाल रिलेटेड वन मार्क क्वेश्चन सारे अगली रचना है बिजलियां दे हार नेक्स्ट वन इज मेरे साइयां जियो नेक्स्ट वन इज कंबदी कलाई कंबदी कलाई नेक्स्ट प्रीतवीना नेक्स्ट वन इज सुंदरी की है नॉवल है नेक्स्ट वन इज सुंदरी यस बेटे जगनूर सिंह कम टू दिस साइड सतवंत कौर नेक्स्ट वन इज कंत सहेली कंत महेली विजय सिंह ये सारे नावल ने विजय सिंह विजय सिंह राजा लखदाता सिंह ये नावल ने ये वार्तक रचनावां ने ये काव्य संग्रह ने ये काव्य संग्रह ने जेड़े मैं चार लिखे ठीक है ये हैगे ने वार्तक संग्रह
साहित्य रचनावां इस तो इलावा है गुरबाणी ते भी ना इन्होंने गुरबाणी की भी व्याख्या की है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी व्याख्या की है उहदे नाल रिलेटेड इन्हां दे हैगे ने गुरु नानक चमत्कार अष्ट गुरु चमत्कार श्री कलगीधर चमत्कार तीन चमत्कार गुरु नानक चमत्कार गुरु नानक चमत्कार अष्ट गुरु चमत्कार ये तो एक ही क्वेश्चन के रूप च आएगा कि एक चीज दिती हुई है अष्ट गुरु चमत्कार गुरु नानक चमत्कार किसी रचना है दो ऑप्शन दितिया उड़ा ते ऐड़ा ऑप्शन दोनों ही ठीक है अष्ट गुरु चमत्कार एक होर है कलगीधर चमत्कार कलगीधर चमत्कार अष्ट गुरु हुंदा अठ गुरु चमत्कार इहदे विच गुरुआं नाल संबंधित ब्यौरा पेश किया गुरुआं दीआं बाणियां बारे पेश किया कि गुरु साहब ने की उपदेश दिते ने गुरु नानक चमत्कार विच नेम तो ही पता कि गुरु नानक देव जी दीआं जन्म साखियां सानूं की उपदेश दिंदियां ने अष्ट गुरु अष्ट का मतलब हुंदा अठ ठीक है कलगीधर चमत्कार मीनस पता ही है कलगीधर किन्हां नूं कहा गया कलगी सजाई जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन बारे ठीक है जो सानू की प्रेरणा देंदे ने उन्हां बारे इन्हां ने लेख लिखे ने क्लियर बेटे ए गुरु नानक चमत्कार अष्ट गुरु चमत्कार ए रचनावां कहने हैं साहित्य रचनावां गुरु नानक चमत्कार अष्ट गुरु चमत्कार कलगीधर चमत्कार भाई वीर सिंह जी की कविता क्यों जी कविता ज्यादा प्रसिद्ध कविता केड़ी है रहस्यवादी रहस्य का की मतलब हुंदा के आत्मा दा परमात्मा नाल मेल कुदरती नजारियां नूं सामने रख के रब दे महिमा गाई है रहस्यवादी भी है और कुदरती नजारियां नूं भी पेश किया है वैरी नाग तेरा पहला झलका इन्हां दी प्रसिद्ध रचना हुई है कश्मीर विच जिहड़ा चश्मा वग रहा उहनूं देख के इन्हां दे मन विच क्वेश्चन आ गए सी कि उह किन्ना शांत सुभाअ नाल वग रहे है ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਲਿਖੋ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੈਨ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ जीवन जांच देन वालियां भावे कोई कविता है भावे कोई वार्तक लेख है सारिया ही भाई वीर सिंह जी दीआं रचनावां सेध देन वालियां हन सेध मीन्स नवी दिशा दिंदियां ने जिंदगी विच सानू किस तरह विचरना है समय की कदर करनी है कुदरती नजारियां नू मानना है ठीक है परमात्मा दे गुण गायन करने ने हर पक्ष ते उन्होंने कलम अजमाई है समझ आ गई इस करके इन्हां दी साहित नूं बहुत वड्डी देन है भाई वीर सिंह जी दी नेक्स्ट हुण करिए आपां गल कविता दे बारे उह तुहानूं तकरीबन आंदे होणे क्वेश्चन तुसीं बोलोगे क्वेश्चंस समा कविता विच कवि किस दी संभाल करन लई कह रहा है धरती दी कुदरत दी समें दी जां संसारक जीवां दी समें दी पता ही लग जाना क्योंकि समा कविता पढ़ी आपां होर कोई कविता पढ़ी नहीं है नोट करो समा कविता विच कवि तुसी वन मार्क क्वेश्चन नोट कर लो जदों ऑब्जेक्टिव आणगे तुहानूं क्लीयर हो जाएगा आंसर कल दा ऑब्जेक्टिव टेस्ट दित्ता पर बच्चों ने बहुत घट बच्चे है जिन्हां ने फुल मार्क्स ले बहुत घट बच्चे होने जिन्हां ने फुल मार्क्स ले क्योंकि जिहड़े बच्चे क्लास च अच्छी तरह सुनते हैं लैसन नू थोरोली एक एक लाइन नू समझदे आ ओह ऑब्जेक्टिव विच फुल मार्क्स लै सकदे आ इह लगदा है तुहानू कि ऑब्जेक्टिव पेपर आना बहुत ईजी है नहीं ये सोच समझ के करना पैणा ठीक है जद आपां ऑनेस्टली करना सिंसीयरली करना अपने आप करना तो फिर पढ़ना पैणा क्या पढ़े बिना तो आपां दे ही नहीं सकते आंसर नैक्सट क्वेश्चन कविता समा विच कौन पल्ला छड़ा के खिसक गया जीव स्त्री
जीव स्त्री समा कवि बोलो कौन कि कोई भी नहीं समा क्योंकि समा केड़ी जाच नहीं जानदा यस रुकना नहीं जानदा भी लिख लो क्वेश्चन समय नु केड़ा तरीका नहीं आंदा केड़ा वल नहीं आंदा रुकन दा कोई ऑप्शन आ सकदियां ने ये संभालन दा रुकन दा तुरन दा केड़ा रुकन दा वल नहीं आंदा ठहरन जाच ना जानदा अगे की है बेटे लंघ गया ना मुड़ के आमदा बीत्या समा वापस आंदा है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आंदा जेड़ा समा एक बारी बीत जांदा कदी भी वापस नहीं आंदा नेक्स्ट क्वेश्चन सफल होने लई की करना चाहिदा है सारेयां दा सन्मान करना चाहिदा है सवेरे छेती उठना चाहिदा है समय दी कदर करनी चाहिदी है ते खूब जिंदगी नूं मानना चाहिदा यस समय दी कदर करनी चाहिदी है ते जे आजे समय दी कदर क्यों करनी चाहिदी है जीवन आनंदमय बनाने लई जीवन सफल बनाने लई ए दोनों ही आनी है ठीक है आनंदमय भी तां बनेगा जे आपां जिंदगी च पहला स्टेप की होएगा जिंदगी सफल होवांगे आनंदमय कली जिंदगी बना के की करांगे पहला स्टेप है जिंदगी च सफल होना फिर आपां करेक्ट ऑप्शन तां सफल ही होया ठीक है ना जिंदगी नूं बेस्वादी थोड़ी बनाना जिंदगी नूं नीरस भी नहीं बनाना इस करके समय दी संभाल करनी जरूरी है अगला क्वेश्चन नोट करो कि समा अपनी गति नाल चलता है कि समा अपनी गति नाल चलता है हाँ नहीं कदे कदे जां उपरोक्त कोई भी नहीं हाँ समा हमेशा अपनी गति नाल चलता है नोट करो समा हमेशा अपनी गति नाल चलता है यही आंसर लिख लो समा किस तरह चलता है किस तरह चलता है कोई इररेलेवेंट ऑप्शन देती है कि किवें चलता है जिंदगी दी तरह चलता है साइकिल दी तरह चलता है गड्डियां दी तरह चलता है कि अपनी गति नाल चलता है ठीक है अपनी गति नाल चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हुन नोट करो जेड़े मीनिंग लिखने हैं त्रिखा शब्द दा की अर्थ है त्रिखा त्रिखे अपने वेग त्रिखे अपनी वेग गया टप बन्ने बन्नी ये लाइन है गया टप बन्ने बन्ने बन्नी हाँ जी इन्हां विचों इहदा भी मीनिंग दस दो इहदा भी मीनिंग दस दो बन्ने बन्नी भी दस दो पहले तो त्रिखे का अर्थ पूछा गया त्रिखे का अर्थ है मैं ऑप्शन देनी हूँ हाँ जी तेजी ना वेरी गुड जिन्हों आंसर आता पहला त्रिखे का मीनिंग लिख लो तेज दूर नेड़े हौली तेज की ऑप्शन आएगी बेटे तेज त्रिखे का की अर्थ है बेटे तेज नेक्स्ट वेग का बोलो बेटे वेग का की मतलब है वेग का मतलब समा है वेग का मतलब हौली है वेग का मतलब पहचान है कि वेग का मतलब चाल है चाल वेग का मतलब की है बेटे चाल त्रिखे का मतलब की है बेटे तेज त्रिखे का मतलब तेज वेग का मतलब चाल इहदे नाल रिलेटेड आपां समय की कदर लेख नाल ही किया होया समय की कदर लेख करवाया सी जदों है कि पहला समय बारे दसना है समा बहुत कीमती है फिर साडियां भारतीयां दीआं कियो जीआं आदतां ने विदेशां विच समय की कदर किवें है समा नष्ट कराउण दे नुकसान की ने ठीक है टप बन्ने बन्नी टप मीन्स क्रॉस कर जाना लंघ जाना बन्ने बन्नी मीन्स हद्दां बन्ने टपने इत्थे कविता विच इहदा की भाव है बन्ने बन्नी सारियां मुश्किलां नूं चीरदा होया जिहड़ी भी कोई रुकावट आई सारियां हद्दां बन्ने टपदा होया अपने सुभा करके किहड़े सुभा करके बेटे लगातार चलते रहते सुभा करके सारे हद्दा बन्ने चीरदा होया अगे निकलता गया नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ंदा शब्द का की अर्थ है उड़ंदा शब्द का की अर्थ है उड़ंदा ए सफल उड़ंदा जामदा
ਸਫਲ ਉੜੰਦਾ ਜਾਂਵਦਾ ਉੜੰਦਾ ਜਾਂਵਦਾ ਜਾਂਵਦਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਜਾਂਵਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਉੜੰਦਾ ਮੀਨਸ ਉੜਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੜੰਦਾ ਮੀਨਸ ਉੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੜਦਾ ਜਾਂ ਉੜਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉੜਦਾ ਜਾਂ ਉੜਨਾ ਉੜੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਯੈਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤਰਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਰਲੇ ਜੇ ਮਿੰਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿੰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੜਾ ਤੇ ਐੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੱਸਾ ਭਾਗ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੜੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰਲੇ ਈੜੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿੰਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉੜੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਯੈਸ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਘੱਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ ਘੱਟ ਮੀਨਸ ਪਾਉਣਾ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਘੱਟ ਮੀਨਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਪਾਏ ਵੀ ਵਰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਏ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੌੜਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉੜਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ ਕੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਲਾ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰਾ ਕੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਲਾ ਕੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਕੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੱਲਾ ਅਜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕਾਈ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਗਏ ਨਾਲੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਟਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ ਅਟਕ ਅਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕੜ ਹੈ ਅਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਅਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਵਿਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ PT1 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ MCQ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਟਕ ਮੋਹਨਧਾਰੀ ਕਾਂਗੀ ਬੇਟੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ ਅਟਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਰੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਰੋਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
किस रूप विच तरले करता है? पत्नी दे रूप विच, जीव स्त्री दे रूप विच, इन मनुख दे रूप विच? जीव स्त्री दे रूप विच। जीव स्त्री दे रूप विच कवि ने समय नू तरले किते ने किस रूप विच? जीव स्त्री दे रूप विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटे, जीव स्त्री में संसारक जीव, कली स्त्री नहीं, ठीक है? जीव स्त्री, कली स्त्री होए ता जड़े पुरुष दा स्त्री लिंग बदलो करते हैं, ठीक है? ये तुसी हुण सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, एक असाइनमेंट भी भेजांगी, वो तुसी करनी है। हुण आपां करदे हां टॉपिक अगला, लिंग बदलो। यस बेटे, लिंग बदलो। पहले तो मैंने दसो लिंग बदलो कहते कि जेंडर तो तुसी इंग्लिश कहते हो, ठीक है? लिंग बदलोगे पंजाबी च, लिंग बदलो का भाव की है? पुरुष लिंग, स्त्री लिंग, पुरुष नु पुरख लिंग भी कहते, ठीक है? जिन्हू कहते हैं नर और मादा। ये जड़िया ने जिंदिया जागदिया वस्तुओं के लिए भी लिंग बदलो होंगे ने, ते जड़िया नॉन लिविंग थिंग्स होंदिया ने उन्हां लिए भी लिंग बदलो होंगे ने। पर नाउंस करके देखना है कि स्त्री लिंग की बनता ते पुलिंग की है। कुछ एक वर्ड ने जड़े स्त्री लिंग ही रहते ने, कुछ एक वर्ड ने पुलिंग ही रहते हैं। तुसी प्रीवियस क्लासेस जूनियर क्लासेस लिंग बदलो करते आए हो, वो तो आते हैं जिमें कि भरा भैन, ठीक है, माता पिता, दैन दादा दादी, मामा मामी, इस तरह नॉन लिविंग थिंग्स की करते हो, चरखा चरखी, थाल थाली, ग्लास ग्लासी, ईदी मात्रा लगा के। पर कुछ एक वर्ड यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे ने, जड़े पुलिंग तो पुलिंग ही रहने हैं, स्त्री लिंग तो स्त्री लिंग ही रहने हैं। आप अज कुछ एक पुलिंग कुछ एक स्त्री लिंग रहते हैं जेड़े बदलते नहीं हैं। पहला वो लिख लो, फिर आप लिंग बदलो करांगे। सूरज स्त्री लिंग च की होएगा? स्त्री लिंग च आप बात करते हैं, पहले पुलिंग कर लो। पानी, पानी पुलिंग ही रहना, पानी पीता कहने, पानी पीती नहीं कहते, ठीक है? और कोई बोलो, बोलो बच्चे, चन, पहले यूनिवर्सल ट्रुथ, चन, सूरज हो गया। इधर आए धरती, धरती की है? धरती स्त्री लिंग च आएगी, पुलिंग च नहीं आएगी। स्त्री लिंग भी आ गया, वैसे भी बोल के सेंटेंस बना के देखीदा, धरती साफ सुथरी है, धरती साफ सुथरा नहीं है, उहदा क्रिया रूप बना के हमेशा देख लो, हमेशा क्रिया रूप बना के देखो। पानी पीता कहने, पानी पीती नहीं कहते। जे हाँ चाह आ जाए तो चाह की है? पीती। चाह कि आएगा? स्त्री लिंग, ठीक है ना? क्लियर है? धरती तो बाद की आएगा हवा, हवा चलती है, हवा चलता है कहने नहीं, हवा चलती है। इट, इट कि आएगा? इट पुलिंग के स्त्री लिंग, इट पई है, इट पिया है? नो। पत्थर, पत्थर किधे जाना? पुलिंग, पत्थर, ठीक है? वो तो पक्खा दा तो पक्खी बन जाता ना। मैं कहनी जेड़े पुलिंग ही रहिंदे आ, जेड़े पुलिंग रहिंदे आ पुलिंग ही रहने आ, जेड़े स्त्री लिंग आ तां स्त्री, जेड़े चेंज नहीं होने। नहीं नहीं, छल्ला छली हो सकता, छली
नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट लिखो, मूरख। मूरख प्राणी ले आंदा, पुरुष लिंग। हुण आपां गल करदे आं जिहड़े पुलिंग स्त्री लिंग बनते ने। एक पासे सेंटेंस बोलांगी, उहदे नाल तुसीं ब्लैंक्स फिल करने आ। उसका भरा डैश है, लिखो, उसका भरा डैश है, उसकी भैन डॉक्टरनी है। यस, उसका भरा उसकी भैन इत्थे भरिया होया डॉक्टरानी जा डॉक्टर, डॉक्टरानी जा डॉक्टर ने। उस दी भैन, उसका भरा की भरांगे डॉक्टर। एदा मतलब डॉक्टर का की लिंग बदलो होया डॉक्टरनी। डॉक्टर का लिंग बदलो की होया डॉक्टरनी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, गबरू अते डैश नच रहे हन, नच रहिया हन। गबरू अते मुटियारा, अपने आप पता चलेगा कि केड़ा लिंग बदलो भरना है। उहदे विच ऑप्शन दित्ते हो कि गबरू अते कुड़ियां, गबरू अते चिड़िया, गबरू अते मुंडे। की आएगा लिंग बदल? गबरू अते मुटियारा नच रहियां हन। ये भी चार तरह ना लिंग बदलो आने हन, एक ब्लैंक से विच, ठीक है। लिंग बदलो, एक सही पुलिंग चुनो जा सही स्त्री लिंग चुनो, ठीक है। एक है लिंग बदल के चुनो। चार तरह नाल क्वेश्चन आने, फोर मार्क्स से उहदे अकॉर्डिंग आपां करने हन लिंग बदलो। बाकी नेक्स्ट क्लास करांगे। थैंक यू सो मच बेटे।